बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मुताल्स क्यूसीन। आज हम आपको बनाना बताएंगे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमारे पास तीन पाव है कीमा बीफ का, और ये दो हमारे पास टमाटर है, रिंग में काट लिए हम लोग की। चपली कबाब बनाते हुए इसको ऊपर से लगाएंगे, फिर एग की कोटिंग करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं एक ये हमारे पास है प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हमारे पास ये अनारदाना है, 1 टीस्पून हमारे पास ये लहसुन का पेस्ट है, और 1.5 टीस्पून हमारे पास अदरक है। अगर आप फ्रेश वाला अदरक लोगे 1 टीस्पून लोगे, ये 1.5 टीस्पून लिया है हम लोगों ने, अदरक का पाउडर लिया है इसलिए। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, क्रश चिली है 1 टीस्पून, और ये मकई का आटा है जो सही चपली कबाब बनाते हैं उसमें इसका ये सब ना डलेगा तो चपली कबाब नहीं बनते, इसके बगैर चपली कबाब नहीं होता। ये मकई का आटा है, बेसन की जगह हम लोग मकई का आटा डालते हैं चपली कबाब में, और एक अंडा है। और इसको हम लोग कीमे को चॉप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर में हम लोग ये प्याज लहसुन अदरक और ये मकई का आटा सारा डाल देंगे, साथ में कीमा ऐड करेंगे। और इसको हम लोग चोपराइज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए चोपराइज हमारा कीमा हो चुका है, तो हम खोल रहे हैं। देखें इसको हम लोग अब प्लेट इसको मिक्स कर लेंगे, पदरी तरी एक जैसा मिक्स हो जाएगा। पहले हाथ को अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद फिर हाथों के साथ इसको मिक्स कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा सख्त लग रहा हो तो आप इसके अंदर हाफ एग भी डाल सकते हैं, पर मेरा ये देखें बिल्कुल ठीक है। अभी हम आपको इससे चपली कबाब बनाना बताएंगे। तो अब हम आपको चपली कबाब बनाना बताएंगे। ये हमने एक पेड़ा ले लिया, इसको हम लोग हाथ जितना बड़ा करेंगे, ऐसे हम इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस साइज का बड़ा हो गया है, पूरे हाथ जितना हमारा। इसके ऊपर हम लोग टमाटर लगाएंगे एक साइड पे, एक साइड पे हम लोग ये लगाएंगे प्याज, साइड टर्न करेंगे, फिर एक साइड पे प्याज लगाएंगे, फिर एक साइड पे टमाटर लगाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको हम लोग अंडे पे डिप करेंगे। दोनों साइड से हम लोग एग लगाएंगे इसके ऊपर, अंडा पूरा पूरे पे लगा लेंगे और फिर इसको उठा देंगे। ये देखिए अंडा लग चुका है हमारा, फिर इसको हम इसी तरह हम लोग सारे बनाएंगे और तवे के ऊपर फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए हम लोग इसको तवे के ऊपर बनाएंगे, तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया हमारा, और आराम से इसको ऐसे डालेंगे और हल्की आंच पे मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, फिर साइड टर्न करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हम लोगों ने दो डाल दिया है तवा पे, इसके दो ही आए हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं, इसलिए दो दो हम करके इसको फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें एक साइड से हो गया, अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हल्की आंच पे हम लोग पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
दोस्तों चपली कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें चपली कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।